नाइसेस्ट थिंग जो ऐशिंग अराउंड को क्या लगती है इज दिस. इतना बड़ा मिरर एंड आई लाइक टू बी इन द मिरर. ट्रेन स्टेशन भी है तो यहाँ से ट्रेन भी जाती है लिमरिक की, तो यहाँ पे रुकती है 20 मिनट के लिए. 4 आवर्स, 4 घंटे की बस राइड है मेरी. सो पुट द कोड एंड दैट्स द रॉन्ग कोड. यू कैन से बे व्यू. नो बेस बट जस्ट द व्यू. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. So today we are going to Galway. We, मतलब me and you guys are going to Galway. So that's my new place. जिसका vlog शायद आ गया होगा या शायद नहीं आया होगा. I really don't know. एक बैग रख लिया जिसमें थोड़े बहुत कपड़े हैं और ये थोड़े गैजेट्स वाला. Although एक दिन की ट्रिप है but still I carry a lot. भाई यहाँ का व्यू मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. That's the view from my house. अभी टाइम हो रहा है 6:30, 7:30 की बस है. टुडे वी नीड टू गो टू द पानल स्ट्रीट, पानल बस स्टेशन. तो आधे घंटे में यहाँ से निकलते हैं. लेट्स गेट. सो फाइनली आई एम आउट गोइंग टू द पानल बस स्टेशन. ये पानल बस स्टेशन दूसरा वाला है, नॉट द ऑर्डिनरी वन जिसमें मैं हमेशा जाता हूँ वाया आई गो टू डबलिन. तो पानल बस स्टेशन यहाँ का कौर का सबसे बड़ा, मतलब ओनली बिगेस्ट स्टेशन है, बस स्टेशन है. तो यहाँ पे यू कैन गेट बस फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम एनी वेयर. तो गोलवे की बस है, तो वैसे तो गोलवे जाने के लिए यू कैन बुक सिटी लिंक, और सिटी लिंक तुम्हें 2.5 आवर्स में पहुंचा देती है. बट आई डोंट नो मैंने सिटी लिंक क्यों नहीं बुक कराई. मे बी उस टाइम पे ऑप्शन नहीं शो कर रहा था. तो आई हैव बुक दिस एक्सप्रेस बस. तो एक्सप्रेस बस विल टेक अराउंड 4 आवर्स. तो 4 घंटे की बस राइड है मेरी. अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सिटी लिंक है वो तुम्हें डायरेक्टली गोलवे लेके जाती है, बट अगर तुम एक्सप्रेस करते हो तो वो तुम्हें लिमरिक लेके जाएगी. वहाँ पर आधा घंटा हॉल्ट कराएगी और उसके बाद आगे जाएगी. बट ठीक है, रात को मैं 2 बजे सोया था. तो रात को मैं 2 बजे सोया था, तो अभी मैं सुबह 6:30 बजे उठ गया हूँ. तो मेरी नींद ढंग से कंप्लीट भी नहीं हुई है. शक्ल से दिख ही रहा होगा 12 बजे पड़े हैं. तो बस में सोएंगे. आउटफिट सही लग रहा है. वेल मैंने जैकेट भी इसलिए पहनी क्योंकि सुबह का टाइम है, थोड़ा ठंड है. थोड़ा मुझे पता है बीच में गर्मी लग जाएगी तो जैकेट उतारनी पड़ेगी. आज कॉर कितना प्यारा लग रहा है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉर डे टुडे. स्टेशन अगर आपको देखिए उस तरफ को, तो वहाँ पे 2 बसें वैसे ही अभी खड़ी हुई हैं. तो मैं याद है वहीं से दुबई भी गए थे, वहीं से इंडिया भी गए थे, और वहीं से ऑलमोस्ट सारी जगह डबलिन अगर जाना होता है तो वहीं से लेते हैं. बट पानल स्टेशन उसी के यहाँ पे सामने है इधर जाके. तो विल गो टू द पानल स्टेशन. पहले टिकट दिखा के कन्फर्म कराऊँगा कि सही जगह आए हो नहीं आए हो, नहीं तो गलत बस में नहीं चढ़ना मुझे. और कुछ स्यापे नहीं चाहिए बस इस वक्त. तो यहाँ पे सारे बस रूट नंबर और उनके ना नंबर्स लिखे होते हैं कहाँ कहाँ पे हैं. और ये रहा बस, तो मेरा 6 है, तो 6 उस तरफ है. तभी मैं यहाँ से घूम के पूरा उस तरफ जाता हूँ. सारे गेट नंबर्स 11, 12 इधर है, तो इधर से 1, 2, 9 उधर है, उधर 14 उस तरफ है. तो अपने गेट पे चले जाना था. आई एम गोइंग टू माई गेट पहले से ही. कौन कहता है व्लॉगिंग करना आसान है, कौन कहता है बताओ. ये सारा सामान उठाना, ऐसे अच्छे से तैयार होकर जाना, और कैमरा हमेशा ऐसे रखना, और भूल ना जाना कि अगर कोई स्पेशल मोमेंट है, अच्छा मोमेंट आ जाए, फटाफट से उसको कैप्चर कर लेना मुश्किल होता है. तो इसी बात पे सब्सक्राइब करिए. My girl likes diamonds, big ones shining on a ring ring. I got 3 daughters, you could bet that they gon' get the same. But they got morals, I'll be damned if they sell up for change. They won't sell out a thing. So in bus and time, सही time पे आ गया हूँ भाई. ये वाली bus में बैठ रहा हूँ, पहली बार बैठ रहा हूँ express way में. It's really comfortable और काफ़ी spacious है कि मेरे पैर आराम से आ रहे हैं. तो I just feel really comfortable. अब 4 घंटे की night है. इसको अपन करेंगे पीछे ऐसे, लेटेंगे और बस सोएंगे. अब 4 घंटे हम मिलेंगे गोलवे में. बीच में भी मिलते रहूँगा तो बताता रहूँगा, बट अभी अपन रेस्ट करेगा. तो देर आर चार्जिंग पोर्ट्स हर बस में होते, तो अगर आप उनका फ़ोन वोन चार्ज नहीं है तो यार. ऑल्सो देर आर चार्जिंग पोर्ट्स हर बस में होते, तो अगर आपका फ़ोन वोन चार्ज नहीं है तो हम यहाँ पे अपने चार्जिंग पोर्ट्स लगा सकते हैं. मुझे भी लगाने हैं अभी. डिवाइस है, ट्राई करके देखना. कभी भी ऐसे कभी घूमने जाऊँगा और ऐसे इतने प्यारे प्यारे से दिख रहे हो नज़ारे, तो कानों में एयरप्लग्स लगाना और बॉलीवुड सूफी सॉन्ग्स करता
राइट नाउ अब यहाँ पे हमारा 20 मिनट का हॉल्ट है. कहाँ पे 20 मिनट का हॉल्ट? लिम्बरिक बस स्टेशन पे. यहाँ पे बस स्टेशन पे, सो दैट्स माय बस यहाँ पे रुकी हुई है. और सारी बसें यहाँ पे आती हैं. तो मैंने कुछ खाने को नहीं लिया था, तो अंदर कैंटीन है. एक्चुअली ये यहाँ पे ट्रेन स्टेशन भी है, तो यहाँ से ट्रेन भी जाती है लिम्बरिक की. तो यहाँ पे रुकती है 20 मिनट के लिए अगर आप एक्सप्रेस वे लेते हो. अब मुझे समझ आया एक्सप्रेस वे इतना टाइम क्यों लेता है. एक्चुअली ये बीच बीच में से लोगों को उठा उठा के जाता है. सो डायरेक्ट रूट तो होता ही है, बट जो साइड रूट्स भी लेता है वहाँ से लोगों को उठाता है अलग अलग जंक्शन होते हैं. तो 20 मिनट्स का यहाँ पे है. तो आई एम गोना गो इनसाइड, गेट अ कॉफ़ी, गेट समथिंग टू ईट, फ्रेशन मी अप. अभी 6:30 बज रहे हैं, नींद में आया हूँ. अभी 9 बज रहे हैं, अभी भी 2 घंटे की राइड आगे और है. बट लेट्स गो इनसाइड एंड गेट समथिंग. Lost some friends, said the same thing. Keep now that I'm on a trip, ठीक है, कॉफ़ी पी नहीं थी. नॉर्मल कॉफ़ी पी सकता हूँ, बट नाउ दैट आई एम ऑन ट्रिप, स्टारबक्स इज मैंडेटरी. बिकॉज ट्रिप्स है यार, ट्रिप्स पे वी कैन लाइक, वी जस्ट वांट टू एंजॉय. Like a boomerang, my girl likes diamonds, big one shining on a ring ring. I got three daughters, you could bet that they gonna get the same. But they got an airport पे भी रुकी है बस. यहाँ से भी लोगों को पिक करते हैं. तो अगर आपको शेनन एयरपोर्ट जाना है तो वहाँ पे भी इस बस के थ्रू वहाँ पे भी जा सकते हैं. स्टिल 1 घंटा भी बचा है और मैंने कॉफ़ी पी लिया है. मैं रात को भी नहीं सोया था, कॉफ़ी पी के बहुत नींद नहीं आ रही है. वाट लगने वाली है आज कॉल में. एक सजेशन, वाई नॉट टू टेक दिस बस, क्योंकि पहली बार 4 घंटे की बस है. ऑल दो 20 मिनट का बीच में हॉल्ट था लिम्बरिक स्टेशन पर, लेकिन उस टाइम पर मुझे वॉशरूम नहीं जाना था. ठीक है, मैंने वहाँ से ये आप मैंने ये कॉफ़ी ली थी, ये ख़त्म हो गई. अब मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन अभी भी 1 घंटा पड़ा है और इस बस में वॉशरूम नहीं है. मतलब 1 घंटे के लिए नहीं टू सेट, ये अगर 2 घंटे की बस ली होती तब तक पहुँच गया होता. तो वन डिसएडवांटेज की अगर सूसू तुम्हारी आती है रास्ते में तो इस बस में मत आना. ट्राइंग माई बेस्ट. फाइनली गोलवे आ चुका हूँ और एक चीज़ मुझे भी पता चली कि बस में वॉशरूम था और मुझे वो दिखा नहीं था. जब मैं उतरा था मैंने कहा अबे भाई वॉशरूम है यहाँ पे, बेफालतू की इतनी रोकनी पड़ी. अब यहाँ पे हो रही है बारिश और मुझे लग रहा है कि बारिश के चक्कर में मेरा सारा प्लान ख़राब हो जाएगा. बट चाहे आज बारिश हो या जो हो, अपन गोलवे घूमेंगे. और अभी पता क्या हुआ, जो मेरी बस है ना वो जिस जगह से आ रही थी तो रास्ते में ना मेरा एयरबीएनबी दिख गया मुझे. मैं कहा भाई ये तो रहा यहीं रोक दे, मतलब ऐसा मुझे लग रहा था. इंडिया होता ना तो मैं बस ड्राइवर को बोलता था भैया बस यहीं लगा दो, दो मिनट के लिए लगा दो साइड में, मुझे अपना एयरबीएनबी दिख गया. बट साला यहाँ पे ये सिर्फ स्टॉप पे रुकते हैं, तो स्टॉप पे रुकने के चक्कर में मैं 10-15 मिनट का हो गया है. बिल्कुल मतलब मेरे सामने था, बताओ कि मैं उतर के ना सीधा एयरबीएनबी पहुँच जाऊँगा. अब मुझे यहाँ से 10-15 मिनट वॉक करनी पड़ेगी. बट एनीवे, वी ऑन अ ट्रिप, वी गोना एंजॉय गोवा. सो आई कुड हैव टेकन अ बस ऑल्सो, बट यहाँ पे मैं बस पे पैसे बचा सकता हूँ. एंड साइड बाय साइड इस वक्त ऐसे मौसम में, ओके दैट्स अ सिटी लिंक जो मैंने मिस कर दी थी, पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिली. वो मिली होती दो घंटे में पहुँच जाता. सो एनीवे, बस की जगह वी कैन वॉक ऑल्सो, क्योंकि वेदर इतना अच्छा है कि इस वेदर में वॉक करी जा रही है. मतलब गर्मी नहीं है, स्वेट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो आई कैन वॉक. ऑल्सो आई एम गोना मीट वन ऑफ माई फ्रेंड, तो मैं अभी अपने एक फ्रेंड से भी मिलने जा रहा हूँ, तो वो भी मेरा वहीं पर वेट कर रही है. I'll be there. तो वहाँ चलते हैं, उनको सुपर ऑकवर्ड करते हैं विद दिस ब्लॉग, बिकॉज शी इज़ वेरी शाई विद द कैमरा. सो दैट्स वॉट आई डू, आई मीट पीपल, आई मेक ब्लॉग एंड मेक देम ऑकवर्ड विद माई कैमरा एंड दे लाइक ओह शिट, हमें अब अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा बिकॉज नाउ वी आर ऑन कैमरा. सो फाइनली चेक्ड इन माई एयरबीएनबी. So as you can see, bay view, no base but just the view. So now I'm going to show you कि यहाँ के Airbnb होते कैसे हैं. It's a world class Airbnb. World class कुछ ज़्यादा हो गया, but मेरे लिए world class है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. And that's the view, side का ये पूरा view है. That's hotel and spa. Anyway, तो चलते हैं अंदर and let's see कि पूरा B&B है कैसा और कितना प्यारा इन्होंने बना रखा है. So I know the code, मैं आपको नहीं बताऊँगा. Sorry, I cannot. So you put the code and that's the wrong code. क्या कोड है ये तो था. Sorry. Again. यहाँ का लिविंग एरिया बेस्ट है. लिविंग एरिया बैठने को काफी बड़ा ऐसा बढ़िया, मतलब बेस्टेस्ट थिंग जोशिंग अराउंड को क्या लगती है इज दिस.
इतना बड़ा मिरर एंड आई लाइक टू बी इन द मिरर. सो दैट्स द लिविंग एरिया यहाँ पे. सो बेसिकली यहाँ पे शायद 10-12 रूम्स हैं पूरे इसमें, पूरा ऊपर से नीचे बंगला टाइप है. और यहाँ पे इट्स द किचन. तो किचन में ये सारा सामान होता है, ये गंदी बातें. तो यहाँ पे सारे यूटेंसिल्स वटेंसिल्स सारी चीज़ें हैं खाना पीने का. सो यू गेट एवरीथिंग हेयर. तो आप अपना खाना पीना दूध वूध ला सकते हो यहाँ पे, गर्म गर्म कर सकते हो, सारे यूटेंसिल्स मिलते हैं यहाँ पे. आपको लग रहा है लाइब्रेरी है, तो लेट्स सी द लाइब्रेरी कैसी है. वॉशरूम था ये, नॉट द लाइब्रेरी. तो यहाँ से एक और चीज़ दिखाऊँ, मिरर. एनीवे तो यहाँ से वो चलते हैं ऊपर. तो दैट्स हाउ यू गो अप. सो बेसिकली मेरा जो रूम है वो सेकेंड फ्लोर पे है, बट द बेस्ट थिंग इज मिरर. तो या सो यहाँ से दैट्स द फर्स्ट फ्लोर. अगर आप यहाँ पे आके देखो तो ऐसे नंबर्स है, तो 4, 3, 2, 1, 5, 6. अपन का नंबर 9, सो 9 नंबर है. और ऊपर चढ़ना पड़ेगा, थोड़ा जिम में शुरू कर देना चाहिए. सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांसें फूल रही हैं यहाँ पे हमारी. सो यार ऐसे तुम ऊपर आओगे. एंड ये दरवाज़ा खुलता हुआ दिख रहा है पहले से ही, दैट्स माय रूम. सो एक और यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम सा है, ये भी अच्छा सा है. बट नाउ लेट्स गो एंड चेक आउट द रूम. सो दैट्स द एंट्री. सो दैट्स द बेड जो तुम्हें मिलता है. बेस्ट थिंग अगेन मिरर. टीवी है बट पता नहीं क्या क्या चैनल आएंगे, वो आई नीड टू चेक. और फिर अगर हम इसको खोलते हैं, दैट्स द क्लोजेट. जो कि मेरा कि मतलब स्पेस का ढंग से यूज़ करा हुआ है यहाँ पे. क्लोजेट है, ये सब है. जबकि आया मैं यहाँ पे सिर्फ एक दिन के लिए, तो वो बिल्कुल नहीं यूज़ करूँगा. अपना बैग वहीं पे तो वहीं रहेगा. नाउ लेट मी शो यू दी वॉशरूम. तो एक बंदे के हिसाब से मिरर, एक बंदे के हिसाब से सही है. ये द वॉशरूम, नहाने की जगह है. एंड दैट्स मी अगेन. तो इस पूरे एयरबीएनबी का जो कॉस्ट पड़ा था, दैट कॉस्ट मी, मुझे वाला कॉस्टली मिला था क्योंकि मुझे इमीजिएटली ट्रिप मारनी थी. क्योंकि मुझे था कि भाई आई नीड टू गो, क्योंकि अब थोड़े टाइम बाद आई विल स्टार्ट वॉकिंग. तो काम करने से पहले आई नीड टू, सॉरी मुझे ये करना था क्योंकि बहुत थक गया हूँ चल चल के. सो या सो बेसिकली मुझे चिल मानना था, मैं कहा जाने से पहले मेरी जॉब शुरू हो जाएगी, उससे पहले आई नीड टू गो एंड एक्सप्लोर. तो ये वाला एयरबीएनबी मुझे थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा पड़ गया. एंड कॉस्ट 100 यूरो, तो 100 यूरो का पड़ा है पूरा. तो 100 यूरो फॉर अ नाइट. और मैं कहा चल ठीक है, कम से कम गॉलवे अच्छे से एक्सप्लोर तो हो जाएगा. सो दैट इज़ दिस. और अभी जाके आई विल बी मीटिंग माई फ्रेंड. तो मेरी फ्रेंड भी आने वाली है, शी इज़ ऑल्सो हेयर. तो उससे मिलूंगा एंड आई विल बी मीटिंग हर इन द सिटी. तो उससे सिटी मिलूंगा और अभी जाऊंगा सिटी एक्सप्लोर करने. कपड़े मेरे सारे गीले हो चुके हैं, मैं लाया सिर्फ 2 जोड़ी था. तो 2 जोड़ी एक आज पहन लिया, अब एक कल पहनूंगा. तो आज अगर ये कपड़े गीले भी होंगे, स्टिल यू हैव टू सी मी इन दिस पूरा कपड़ों में. सो दिस इज द Airbnb, दिस इज हाउ यू कम फ्रॉम कॉर्क टू गॉलवे. तो जो अभी आज हम करने वाले हैं पहाड़ी शाड़ी, एंड आई एम गोना मीट माई फ्रेंड एंड एक्सप्लोर द पूरा क्लब क्रॉलिंग, द सिटी व्यू, द फूड ऑफ गॉलवे, वो दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में. सो स्टे ट्यून्ड. देखो स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा. डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तब जाकर आपको Day 2 दिखेगा. Day 1 ही देखेगा, बस कंटिन्यूशन ऑफ द ब्लॉग देगा. सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड comment. Till then, meet you guys in my next video. Peace. So finally we're going out. बहुत बारिश हो रही है, पूरे बाल वाल गीले हो चुके हैं. बट ये बारिश मुझे रोक नहीं सकती क्योंकि मेरे पास एक दिन है और एक दिन में मुझे यहाँ पे पूरा पूरा अच्छे से इन्जॉय करना है. और अगर आप लोगों ने बोजुम नहीं खाया तो बोजुम ज़रूर यहाँ पे ट्राई करना. कौन कहता है इंडियन तरक्की नहीं कर रहे, कुमार भाई ने करी है यहाँ पे. डू कम फॉर द इंडियन टेस्ट एंड कुजीन. बड़ा सही नाम सुना, फरीन बेग साहब जी. तो आइए मैं आपको उनसे मिला दो. हाय फरीन, हाउ आर यू? I'm really great. How do you feel? You are joshing around, yaar. Like feeling obliged. Oh my god. Joshing. Oh my god. Like joshing around. Bhai zabar dast ki kha rakha hai. Thank god. Bol diya. Ye to log bolte nahi hai. Pritesh. Kya hai ye? Pata nahi. Kya hai ye? किसी का तो है. चुपा 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 चुपा. चले क्या? चल 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 चल. इसके पहले कि कोई देखे, सुनना अपन के यहाँ पे कोई था ना, एक सेकेंड हैंड दुकान.